ये भारत का देश है, भारतवर्ष। यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए ये पवित्र भूमि हिंदुस्तान के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म विश्व भर में पुरातन धर्म माना जाता है, हजारों वर्षों का इतिहास है, पर इस शांति प्रिय राष्ट्र ने युगों युगों से सिर्फ आक्रमण और बलिदान ही होते देखा है। लगभग 1000 वर्ष पहले गाय को माँ मानकर पूजा करने वाले मासूम लोगों पर आक्रमण करने के लिए एक राक्षस आया था। उसका नाम था मोहम्मद गजनी। इस राक्षस के सामने हारकर कुछ राजाओं ने अपने प्राण दे दिए और कुछ ने अपने घुटने टेक दिए। लोगों ने सोचा भगवान उनकी रक्षा करेंगे, मगर उनके सामने ही अनगिनत मंदिरों को तोड़ा गया, अनगिनत लोगों की हत्या कर दी गई और औरतों पर अत्याचार हुए। बहुत सारे राजाओं ने हार मानकर समझौता कर लिया और वहीं अनगिनत राजाओं ने अपना सोना चांदी बेचकर एकजुट होकर उनके विरुद्ध लड़कर अपनी जान गंवा दी। समृद्ध भारत का दरिद्र भारत होना एक संयोग नहीं था। सोना चांदी जो लूटे गए वो खानदानी थे। भारत पर शासन होने से ज्यादा उसे लूटा गया। गुरुजी, इस अन्याय को रोकने वाला कोई नहीं है? क्यों नहीं, भगवान रोक सकते हैं। भगवान इस अन्याय को रोकने के लिए जरूर इस धरती पर अवतार लेकर आएंगे। वो कब आएंगे गुरुजी? वो किस रूप में आएंगे? वो क्या राम के अवतार में आएंगे, या फिर कृष्ण के अवतार में, या फिर शिव का अवतार लेंगे, या फिर किसी और रूप में आएंगे गुरुजी? इस कलयुग में भगवान को अन्याय रोकने के लिए कोई रूप लेकर आने की जरूरत नहीं है। वो हमारी तरह साधारण मनुष्य के रूप में आएंगे। वो आम आदमी की तरह साधारण रूप में ही रहेंगे। उनके हाव भाव भले ही विचित्र और दिखने में असाधारण होंगे, पर जब कोई भी आम आदमी असामान्य काम करता दिखे तो समझ लेना वही भगवान है। दुष्टों के अन्याय को रोकने के लिए वीर का अवतार लेकर आएंगे। इस कलयुग के वीर को वीर काली वीरा कहा जाएगा। अरे हायस कोण रे तू बाबा, मन बुद्धि कुठला? ए मैं मराठी माणूस आहे, मैंने तुझे डाटा म्हणजे शुभ हाय। अब देख तू तुझन शिव तुझळेल, चल अब निकल यहां से। मैंने तो खुदा से बस एक चाय और पाव का इंतजाम करने के लिए कहा था, पर बिरयानी का इंतजाम करके दे दिया। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अभी फंसाता हूँ इसे। अरे अरे, तू भालू है या कुत्ता है रे? ए, अपना सर बाहर निकाल। अगर तू अपने गंदे हाथ पैर यहाँ धोएगा तो मैं यहाँ पंचर कैसे बनाऊंगा? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे, चल निकल। रे 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 रे। क्या बुलबुला खान, क्या हो गया? अरे इसकी आपकी जुबान को तो आरे से काटना चाहिए। देखो साहब, मेरा पूरा नाम अब्दुल्ला खान है, समझे? अरे बुलबुला हो या अब्दुल्ला, माजरा क्या है? देखो साहब, ये आदमी अपना गंदा थोबड़ा धोने यहाँ आया है, वो मेरा सारा पानी खराब कर दिया। अरे भाई, नदी का पानी बेकाबू होकर बहता है, जब बांध का गेट खुलता है उभर उभर कर पानी बहता है। तब हमने कोई फिक्र नहीं की और अब ये बच्चा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर रहा है तो तुम्हें फिक्र हो रही है? सुनो नौजवान, तुम कहाँ से आ रहे हो?
चलो तुम्हें मिनरल वाटर की बॉटल खरीद कर देता हूँ। पीना चाहो तो पी लेना और नहाना चाहो तो नहा लेना। चलो मेरे साथ। अरे भाई, मुझे मालूम है आज तुझे बहुत बड़ा बकरा मिला है। उसको हलाल करके बिरयानी बनाकर मजे करना मजे। कलयुग में अंदर भले ही कच्छा ना पहना हो पर पैरों में चप्पल पहनना बहुत जरूरी है। अभी तुम मुझे नहीं जानते पर जान जाओगे। सुनो नौजवान, तुम दिखने में तो दुबले पतले लगते हो, इतना सारा खाना कैसे खाओगे? तुम्हारी इस पर्सनैलिटी के लिए दो रोटी ही काफी है। ये तुम खा लो, बाकी का खाना मैं उड़ाता हूँ। इनकमिंग तो हो गया, सुबह से आउटगोइंग नहीं हुआ। पेट के अंदर दोनों की लड़ाई हो रही है। मैं जाकर उनकी लड़ाई निपटा कर आता हूँ। तब तक तुम खाना खाओ, पीछे मुड़कर मत देखना वरना सब यहीं हो जाएगा। ये पुलाव की खाली प्लेट को क्यों घूर रहे हो तुम? क्या तुम आज तक भूख हड़ताल पर हो क्या? बेचारा, तुम उसके लौटने का इंतजार कर रहे हो? वो नहीं आने वाला है, पता है तुम्हें? वो एक धोखेबाज है, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, समझे तुम? वो वापस नहीं आने वाला, वो तुम्हें बेवकूफ बना के भाग गया है। ये लो, ये बिल पे कर दो। खाया किसी और ने और अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अरे सेठ जी, इस भिखारी के पास तो जेब भी नहीं और पैसे भी नहीं है। अच्छा, तो अपने तरीके से पैसे निकालो इसे। निकल तेरी तो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरफ। अरे शुरू करो, देख क्या रहे हो? या अल्लाह, सब पर रहम कर, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर। आसमान उस्मान उस्मान। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अरे अरे अरे, अरे अरे बाप रे। क्या मुसीबत है? जंगली पागल अनाड़ी कहीं के? क्या मुसीबत है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये सुबह सुबह क्या दिव्य दर्शन करवा रहा है? क्यों परेशान कर रहा है बदतमीज? अभी बताता हूँ। निकल यहाँ से। ए तू, मेरी मति मारी गई थी जो मैं तेरे पीछे लगा। ऐसा मत कर वरना मारूंगा। शनि देव मेरे कंधे पर बैठकर कांव 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 कर रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पापी पेट से कहा था अपनी भूख के लिए किसी को धोखा मत दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं? जो भी हो मेरे साथ आओ, तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, तुम्हारा पेट भरकर मैं वो कर्ज चुकाता हूँ। चलो आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हारे साथ लोग मुझे देखेंगे तो मुझे भी पागल समझेंगे। ए, प्रॉब्लम क्या है यार? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अपना नाम तो बताओ। मुंह में जबान है या गूंगे हो? ए, बोलना नहीं आता क्या? समझ में नहीं आता? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शुआ। शिवा? हे, तुम तो बोल सकते हो, गूंगे नहीं हो। तुम्हारा नाम शिवा है? अपना नाम तो बताओ, बोलो किसे ढूंढ रहे हो तुम? शिवा। तुम्हारा नाम पूछा तो शिवा कहते हो, क्या चाहिए पूछा तो शिवा कहते हो। शिवा क्या तुम्हारा चाचा है या भांजा है? मुझे तो तुम पर डाउट है। इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं, गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्या तुम शिवजी को ढूंढ रहे हो? अगर ऐसा कोई इरादा है तो अभी से छोड़ दो, बिल्कुल पागल दिख रहे हो। किस शिव को ढूंढ रहे हो तुम? कोई फोटो है तो दिखाओ। ए, एक एंगल से तुम गांव में रहने वाले मेरे दूर के चाचा के तीसरे सेटिंग के चौथे लड़के के दूसरे बच्चे जैसे लगते हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे दूर के रिश्तेदार राजा बाबू की याद आ गई। बेचारा हमारा राजा बाबू कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। ए, तुम इस तरह क्यों सोए हो मेंढक की तरह? सीधे सो जाओ।
मैं राजा बाबू को ढूंढ रहा हूँ और ठीक उसी तरह तुम शिव को ढूंढ रहे हो। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को ढूंढ ही रहा है। कोई प्यार ढूंढ रहा है तो कोई मोहब्बत ढूंढ रहा है। ओ ज्यादा हो गया। तेरा साउंड जास्ती बढ़ गया है, सुनकर पुलिस वाला आ जाएगा और ले जाएगा हवालात में। अपुन कौन है? खिलाड़ियों का खिलाड़ी, लेकिन अपुन की वजह से इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ए सुनो, जब तक शिव तुम्हें मिल नहीं जाता मेरे साथ रहो। मैं तो अनाथ हूँ, मेरे साथ तुम महान अनाथ जुड़ जाओ, जोड़ी बेमिसाल हो जाएगी। ए सुशीला, जल्दी से सपने में आ जा रे। कबड्डी खेलना बंद कर। ए, ये तो मेरे ऊपर ही हाथ पैर घुमा रहा है, कहीं ये ऐसा वैसा तो नहीं है? इससे दूर ही रहना पड़ेगा बचकर, पता नहीं ये सांप कब आकर डस ले। ए, ए, क्या मुसीबत है? हे भगवान, ये जिस तरह से लात मारकर कबड्डी खेल रहा है, पता नहीं मैं कल सुबह चल भी पाऊंगा या नहीं। इस उम्र में ये पहले से ही एक गरम लोहा होगा। क्या ये इस बेचारे बैचलर को बिगाड़ने यहाँ आया है? हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत पड़ोसन सुशीला के लिए रिजर्व रखी है, अब मुझे तुम ही बचा सकते हो भगवान। भगवान, सपना था। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। ओ अबे, तू कौन सा डॉन है जो तुझे मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊं? बेशरम बदमाश। अबे तू तो इस इलाके का छोटा सा डरपोक क्रिमिनल है, बस तेरे बोल बचन ही बड़े हैं। छोटा मोटा क्राइम करने वाला एक छोटा सा क्रिमिनल, सच बोलूं तो कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा चीटर है तू, इसकी टोपी उसका सिर करने वाला चीटर है तू। अरे इतनी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वैसे ही लोग मुझे देख कर मुझसे बहुत जलते हैं। पड़ोसन सुशीला को बुलाकर नजर उतारनी पड़ेगी। फालतू बातें छोड़िए, मुद्दे पर आइए, मुझे अरेस्ट करने आए हैं क्या? अरे तू सिर्फ बोल बचन है, तेरे जैसे छोटे मोटे चीटर को अरेस्ट करना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। तू तो एक सड़क छाप गुंडा है जो मुझे अरेस्ट करो कहकर पुलिस के जीप में चढ़ जाता है। वो टुच्चा क्रिमिनल है तू, वो 840 और तू 420 है। उसके जैसा नहीं हूँ मैं नानजी, जस्ट लाइक नारायण। मेरा गाँव धोखापुर, लोगों को धोखा देता हूँ, वो भी 3 बार। आपको क्या चाहिए था? ये लो पकड़ो। ओ सॉरी सॉरी, नीचे से देना है ना। इससे कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और बताइए सर, सब ठीक है ना? ये आतंकवादी जैसा दिखने वाला आदमी तेरे साथ कौन है? अरे मेरे छोकरे के बारे में आप बुरा क्यों बोलते हैं? ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, कल ही मेरे गांव से आया है, कल तक तो ये उंगली चूस रहा था। ये बदमाश कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा। ये तुझे बच्चा लगता है? इतना बड़ा घोड़ा तुझे बच्चा लगता है? ए, ये भालू जैसी शक्ल बनाकर तू जंगल से भाग कर आया है क्या? सर ये लड़का पक्का शिव भक्त है, जब देखो तब शिव शिव जपता रहता है। इसकी बस एक ही इच्छा है, पूरी हो जाएगी उस दिन बाल कटवा लेगा, है ना बेटा? अब चलूं सर? चल बेटा। इस बार तो छोड़ दिया, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। ओ शिव जी मुझे बचाओ, मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे इस भालू से बचा लो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे परमात्मा, बचा लो। शिवा शिवा, कहाँ है शिवा? शिवा शिवा शिवा, अरे वो शिवा को ढूंढने आया है। शिवा को? हाँ।
शिवा यहाँ कैसे होंगे? अरे वो तो कैलाश में रहते हैं ना, इसे भी वहीं भेज देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हमला गृह मंत्री शिवराजू पर, मंत्री का इलाज चल रहा है। शहर के एक नामी अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है हालत बहुत गंभीर है। घटना घटी शहर के बाहरी इलाके में। पुलिस ने पुष्टि की है कि एक लड़के ने काले रंग के पोशाक में ये अपराध किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। मुझे तुम पर शक होने लगा जब तुम जंगली भालू की तरह तैयार होकर आए थे और शिव का जाप कर रहे थे। उस मंत्री को शिव के पास भेज दिया। अरे बाप रे। पुलिस आयुक्त ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अभी के लिए बस इतना ही। उन्होंने गृह मंत्री पर हमला किया है। इट्स रियली शेम ऑन अस। हाई कमांड से बहुत प्रेशर है। आई नीड द कल्प्रिट्स विद इन 24 आवर्स। ऐसे बोलने के लिए एसी रूम में बैठ के पैर हिला के वो कमिश्नर चिल्लाएगा तो क्रिमिनल्स मिल जाएंगे क्या राजू भाई? नहीं सर। ओए, अरे देखो एलडी के बाल, पैसे के लिए लोगों को धमकाना, अगर पैसे नहीं देते तो उनके ऊपर हमला करके, पैसे चाहने वाले छोरियों को पटाकर, सभी लंबित मामलों के लिए स्थायी अतिथि बनकर, सेंट्रल जेल के प्रिजनर्स को सारथी बनाकर, इस बार चोर बाजार में एक छोटा सा जंतु है तू। ये जंतु बड़ी मगरमच्छ बनकर बड़ी बड़ी डील करने निकला है। चल चल खड़ा हो जा जानवर कहीं का। ए, तुमने होम मिनिस्टर शिवा को मार दिया ना। सर हमारे होम मिनिस्टर मर गए क्या? सर वो तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे ना। उनको मरे 12 घंटे हो गए हैं। अरे यहाँ के कामचोर लोग लफड़ा करते हैं इसलिए आईसीयू में रखा है, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इस सरफिरे पॉलिटिशियन का बीपी कम होते ही मीडिया वालों को बुला के ये बात बताएंगे तो अच्छा टीआरपी मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज दिखा के यहाँ के लोगों को चूना लगा देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि गृह मंत्री की हत्या करके काला पोशाक पहने हुए ये दिखाना कि तुम एक पागल हो तो तुम्हें हम पहचान नहीं सकते? कल की एलियास कड्डी कल की। हाँ तो राजू बाबू थोड़ी कृपा कीजिए, इस गुंडे कल की का टाइम आ गया भाई। ओके सर। केक, केक। सर क्या बात है, आज इसका बर्थडे है क्या सर? ए तौबा तौबा, ऐसा मत बोलो, इसका बर्थडे नहीं है, डेथ डे है। आज ही इसका आखिरी दिन है। बर्थडे में केक कट करवाना लोगों का शौक है, डेथ डे में केक कट करवाना मेरा शौक है। जल्दी केक कट करो, तुम्हारा इनकाउंटर करना है। सर जल्दी केक कट कीजिए प्लीज। सर छोड़ दो ना सर। हैप्पी डेथ डे टू यू, हैप्पी डेथ डे टू यू, हैप्पी डेथ डे। सर देखो भाग रहा है सर। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। अरे कौन है? राक्षस कहीं का, पता नहीं सपने में किसे खा रहा है। देखता हूँ इस समय कौन आया है। कौन है रे? कौन है इतनी रात गए? हाँ साहब छोड़ दीजिए ना इसे। और जोर से मारो, मत मारिए और जोर से साहब, मत मारिए उसे, मारो मारो डालो उसे, मारो मारो मारो। ए जरा जोर से हाथ चलाओ, तुम्हारे पास कौन सा रिफाइल है? गाड़ी स्टार्ट हुआ क्या? साहब थोड़ा रहम करो, नहीं आता तुझे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? साहब मत मारो, मर जाएगा। देखो सामने देखो, शूट करो। अरे शूट करो यार, डिस्काउंट यार, डिस्काउंट। विनर चिकन डिनर। धुति, MALLB, नाइस नेम, लॉयर मैडम।
इसने कुछ नहीं किया है साहब। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। इंस्पेक्टर, वो सिर्फ आरोपी हैं, अपराधी नहीं है। They are just suspects, not culprits, okay? वो अपराधी हैं, ये साबित होने से पहले ही आप उन्हें थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगा था कि मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे इस बारे में। लॉयर मैडम, गृह मंत्री पर हमला ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे ऊपर हाई कमांड का भी दबाव है। अगर हम उनसे विनम्रता से पेश आएंगे तो कोई ये स्वीकार नहीं करेगा कि इन्होंने अपराध किया है। अच्छा, इसलिए एक अपराधी को पकड़ने के लिए आप ऐसे कई आरोपियों को सजा देते, ये कहाँ का न्याय है? By the way, for your kind information, यहाँ हर आरोपी के ऊपर 10-10 केसेस हैं। You are wrong, sir. जिन आरोपियों को आपने अरेस्ट किया है उसमें मेरे एक क्लाइंट भी है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके नाम पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं हुआ। हिज प्रोफाइल इज क्लियर, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। ओह, आई सी। ओ राजू बाबू, अरे हमारे एरिया में ये कौन सा मसीहा है? सर, ये मसीहा नहीं है सर, शिवा। वो हम लोग एक शिवा की तलाश में थे सर, इसलिए हम इंक्वायरी करने के लिए इसे ले आए और ये बताएगा सर। बोल, शिवा कौन है? ओ, ये आदमी डाकू लग रहा है। लॉयर मैडम, ये देखने से ही 40 रेप और 4 मर्डर करने वाला लगता है। ये जो बदमाश है ना सर, मैंने कुछ नहीं किया, इसी के घर में रहता है। बोल सर, बोल, बोल, बोलेगा नहीं, अभी भी नहीं बोलेगा। बोल, और मार, और मार, अभी वो बोल दे। चोर के साथ चोर ही रहता है, पुलिस थोड़ी ना रहती है। चोर से बड़े चोर तो पुलिस वाले होते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी आम जनता की राय है पुलिस के लिए। माइंड योर टंग लॉयर मैडम, अपनी जुबान पे लगाम दो। प्लीज, मेरे क्लाइंट का एंटिसिपेटरी बेल। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, इंस्पेक्टर मनी। हाँ सर, उसे रिलीज करो। ओके सर, गॉट इट। ठीक है सर, इट्स माय ऑर्डर। ओके सर, ओके सर, सॉरी। ओ राजू बाबू, बस करो यार। सर, अब उसे मारना बंद करो और बाहर लेके आओ उसे। यस सर। ए, चलो, चल, चलो। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर मुनी। चल, चलो आराम से, चलो। ए बच्चू, ये इंस्पेक्टर मुनी तुम्हारे जीवन में शकुनी है, देख लो। नो नीड टू वरी, 3-4 दिनों में ही विल बी परफेक्टली ऑल राइट। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। देखिए, इन्हें घर में ही रेस्ट करने दीजिए, जब तक ये ठीक ना हो जाए इन्हें काम पे मत जाने दीजिए। काम? मुझे और मेरे बच्चे को काम करने से एलर्जी है। ओह माय गॉड, काम पे नहीं जाएंगे तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे ये? हमारा काम ही कुछ ऐसा है, 2 नंबर का। आपको पता चला तो हैरान हो जाओगे, इसलिए अपना काम करो। डॉक्टर, इमरजेंसी है, जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, आपको आपका काम बुला रहा है, जल्दी जाइए। यस, I must go. सिस्टर, सब कुछ रेडी है? ये डॉक्टर्स दिन रात कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं बेचारे, और सिस्टर को क्या पता कि हमारा हाल आजकल डैश चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डैश चल रहा है? उसका मतलब जनता जानती है, आप छोड़िए। वैसे आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की, लेकिन आपकी डील मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये तो बहुत ही सिंपल डील है, बस मुझे मेरी फीस दे दीजिए। वो अब आपकी डील समझ में आ गई, लेकिन मेरी भी एक डील है। इस चोर बाजार में मैं भी एक बड़ा चोर हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। महाभारत से डायरेक्ट आया है ये कर्ण, वो कर्ण कभी जबान से नहीं फिरा, ना ही ये जबान से फिरेगा। पर जब से ये बच्चा आया है मेरा काम बंद हो गया है मैडम, इसलिए आप एक काम कीजिए, चोर बाजार के 3rd क्रॉस पर आकर किसी से भी पूछिए कलयुग के कर्ण का घर कौन सा है, छोटा बच्चा भी पता बता देगा, क्योंकि हम उस इलाके के दानवीर शूर कर्ण हैं। देखिए,
आपके इस बड़े हिसाब किताब के सामने हमारा हिसाब बहुत छोटा है, लेकिन आचार विचार में हिसाब किताब सही रहता है। ओफो, ये तो हद ही है। क्या हुआ? इस वक्त आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप अपनी जुबान पर ना ताला लगा लीजिए और मेरा पिंड छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे मैडम, कहाँ गायब हो गई? मैडम, मैडम, ओ लॉयर मैडम, आप हमारे लेन देन को गलत समझ रही हैं। आवाज जोड़ रही हैं। मेरी बातों से ही हिल गई, जैसे ही लेन देन की बात की भाग गई। एस्केप। अरे बेटा, मैं एक चोर हूँ, मेरे साथ रहेगा तो तू भी चोर बन जाएगा। दिखने में तू कितना भोला भाला है, मुंह खोलता है तो शिव का नाम लेता है। कहाँ है तेरा शिव? अब तो शिव ही तुझे रास्ता दिखाएंगे। अगर शिकार को इतनी आसानी से मार दिया जाए तो मजा ही नहीं है। शिव की खोज ही नहीं, उसका नाम याद करने से भी डरना चाहिए। मैं ऐसा ही शिकार करूंगा। सुनो, जब तक तुम्हारा शिवा तुम्हें नहीं मिल जाता, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ओके? हम तुम्हारे शिवा को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। यारो मिला शिवाना, जाने छुपा वो कहाँ, वो तो स्वर्ग में भी दिखे ना। ये तो शिवा का दीवाना, पागल ये अनजाना, माने किसी की ना, ये सबसे है बेगाना। अरे जिद पे है ये अड़ा, बात माने ना, कोई कैसे समझाए, ये किसी की माने ना, नादा है ये बड़ा, ये तो समझे ना। हेलो हेलो हेलो, जरा बीच सुनो ना, यारो ढूंढो शिवा, जाने वो है कहाँ, वो धरती में ना मिला, जाने खोया कहाँ। यारो मिला शिवा ना, ढूंढो पता शिवा का, स्वर्ग में भी दिखे ना। डम डम बाजे जब डबरू शिव का, नाचे जग सारा, ढूंढ रहा है तुझको वो अगर, तो चपले नाम जरा, शिवा के रोद्र रूप से बचना, शिव में है क्रोध बड़ा, हाथों में त्रिशूल लिए जब नाचे शंकरा, झूमे सारी सृष्टि तब काँपे है धरा, मन से अपने तू पूछ ले भोले का पता, दर्शन देगा तुझको शिव भोले शंकरा, नादा है ये बड़ा, ये तो समझे ना। Oh,
ऊपर वाले ने इसमें भी क्या स्वाद डाला है। भोलेनाथ कृपा करो, माफ करो भोलेनाथ, अरे कृपा करो, कृपा करो महादेव, कृपा करो महादेव, कृपा करो। अरे चिंपांजी के बच्चे, ये तो तू है, ये क्या अवतार बना रखा है, मुझे छोड़ दे। बच गया, सपना था। अरे ये बच्चे, तू क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है? शराब के नशे में था इसलिए बच गया, वरना हार्ट फेल हो जाता आज तो। हे भगवान, जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कर्ण की वाट लगाई थी, वैसे इस कर्ण की वो शिव का जाप करके शिव के अवतार में आके वाट लगा रहा है। वो मेरे सपनों में ना आए ऐसा कुछ करो नटराज, मैं सिर मुंडवा के आपके दर्शन करने आऊंगा। हर हर महादेव। ये शिव जी का गण है या तो भूत है, बहुत अजीब है। लगता है इसे पता मिल ही गया। कलयुग के कर्ण के घर तक अगर मैं सही पहुंची हूँ तो मतलब मेरा हिसाब किताब ठीक ही है ना? तुम्हारा बच्चा रोज ऐसे ही सोता है क्या? अरे उसके बारे में बात मत कीजिए, एक रात ऐसे हाथ रख के सोता है तो दूसरी रात ऐसे, तो कभी घोड़े की तरह पैर उठाकर सोता है, मुझसे देखा नहीं जाता ये सब। हाँ अच्छा ये बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? अब तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर, हाँ, और हम दोनों का जो पुराना हिसाब किताब चल रहा है वो मैं लेने आई हूँ। लॉयर मैडम, मैं द्वापर युग का कर्ण नहीं हूँ, कलयुग का कर्ण हूँ। मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ, कलयुग का बेवड़ा ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है मैंने, और इस कलयुग के शराबी पर यानी मुझ पर शक कर रही हैं आप? आप जानती हैं हमारा सौदा कब पूरा होगा? जब धरती दो भागों में बट जाती है, आसमान फटकर सिर पर गिरता है, या जब पेड़ उखड़ जाते हैं। इस इंसान को तो झेल ही नहीं सकती। मेरे संकट मेरे दुश्मनों को भी मत देना। अरे रे रे बच्चा, ये क्या चुल्लू भर पानी में डूब रहा है क्या? चल हट, ए हट। ए चल जा यहां से। जब देखो तब गलत जगह पर ही पैर डालता है। आपका सौदा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो चलो पहले यहाँ से निकलो। बात क्या है ये तो बताइए। पहले यहाँ से निकलो। मुझे पहले से पता था कि वो लोग इसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। वो शिव शिव की रट लगाता है, उसे शिव के पास भेजो। शौक लगा डैनी। तुम्हें वो आदमी चाहिए जो शिव की तलाश में आया है, और मुझे मुझे वो लड़की चाहिए जो उस आदमी को बचा रही है, वो चुड़ैल, वो लड़की चाहिए। शेर का शिकार करने वाले के लिए हिरन क्या चीज है? डैनी, पूरे इलाके में पावर ऑफ है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं थोड़ी देर भी और करती तो तुम तुम्हारे शिवा को इस जन्म में कभी नहीं ढूंढ पाते। एक काम करो, आज रात तुम दोनों इसी कार के अंदर सो जाओ। हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे नहीं लगता कि इससे सेफ जगह तुम्हारे लिए कोई भी हो सकती है। और एक बात, सुबह मेरे आने तक तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? कोई भी नहीं है, थोड़े में ही एस्केप हो गए ना। खैर छोड़ो, लेकिन डैनी, सिगरेट पीकर धुआं छोड़ने का स्टाइल है ना, वो शानदार है। तू अपने आप को बड़ा डॉन समझता है, तू हो या तेरे चमचे हो,
कभी भी तुम लोग मेरी नजर में आए तो एनकाउंटर में ठोक दूंगा। सिगरेट पीकर मेरे मुंह पे ही धुआं छोड़ता है क्या? तुम्हारा ऊपर जाने का समय आ चुका है। ए! ओए लॉयर, मुझे ही घूर रही थी ना, अब घूर के दिखा, चल घूर के दिखा। कोई टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तेरे इस खूबसूरत से बदन को ढककर ये तेरी इज्जत बचा रहे हैं ना, ये तेरे बदन के ऊपर पहने हुए कपड़े मैं उतार कर ही रहूंगा, समझी ना तू। सिर्फ उसे ही नहीं छोड़ूंगा, तेरा अहंकार इतना बढ़ा हुआ है ना, वो तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। आसानी से कहूं तो तेरी ये शरीर की इज्जत और अंदर की जान दोनों नहीं रहेगी। प्लीज मुझे कुछ मत करो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तेरी जान की गारंटी देता हूं, लेकिन तेरी इज्जत की गारंटी नहीं दे सकता हूं। सुनो, जो करना है मुझे बताओ, मैं करूंगी। अरे उठो, भूकंप आ गया। मेरी नानी कहती थी कि जब दुनिया में पापी बढ़ जाएंगे तो भूकंप आएगा। जब से तूने शहर में कदम रखा है, मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे बाप रे, ये क्या? शहर के सारे गुंडे। ये भूकंप नहीं है बेवकूफ, तेरे शिव के भक्तों द्वारा किया गया महान पाप है। हे शिव जी, कहते हैं तीसरी आंख खोलकर तुम सब कुछ जला देते हो, इसे भी भस्म कर दो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ ले जा रहे हो? चार लोग उठाकर ले जा रहे हो, अभी मैं मरा नहीं। अरे छोड़ दो मुझे। ये तो बिल्कुल राक्षस जैसा है। अपने शिव को देखना चाहता है तो भाग भाग जाए यहां से। मैडम कूल, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उसे ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है। ऊपर वाले ने उसे पहले ही छप्पर फाड़ कर दिया है। ओह गॉड,
हाँ लाइन कट गई। किसी के आने से पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरा निशाना ऐसे ही कभी चूकता नहीं है। भाग। तेरी आ गए ये लोग, पीछे ही पड़ गए। अरे अरे रोको कोई इसे, ये तो बिना पेट्रोल के ही चल पड़ी। अरे रोको कोई, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, कोई रोको इसे। अरे बाप रे ये क्या हो गया। अरे अरे सर, सर मैं मरने वाला हूँ सर। अच्छा ठीक है ना, मुझे बचा लीजिए सर। अरे मैं तुम्हें बचाऊंगा। ए कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूँ। अबे तेरी तो तुझे मैं, चल अंदर बैठ। हैंड्स अप, चल बैठ। अरे रे आई एम अंडर अरेस्ट सर। बैठ, चल जल्दी। मैडम May I come in? इंस्पेक्टर, तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं एक लॉयर हूँ। तुम्हें अपनी इस करतूत की कीमत चुकानी पड़ेगी। सूद समेत। ए, तुम सच में लॉयर हो? अगर झूठ बोलोगी तो मैं सच में मार डालूंगा। मैडम आप लॉयर नहीं है क्या?
अरे मुझे लगा आप लॉयर हैं, बचा लेंगी। अरे कहाँ फंस गया मैं? वो गाड़ी रोके। चुप रहो, एकदम चुप। चुप बोलो ना, चुप। सर आपके पैर पड़ता हूँ, गन रख दीजिए। गन रख दीजिए, मार डालूंगा। ए क्या कर रहे हो? अरे चोट चोट, अरे गंदे में देखो ला मैं। क्या कर रहे हो तुम दो? अरे चुप बैठो। किनारे पर एक बैल गुस्से से देखता हुआ अपना पैर उठाकर नाच रहा था। थई तक का थई शिव पुराण वस्तु। Thank you.
अरे भगवान, जब देखो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, पागल कहीं का, ये कभी नहीं सुधरेगा। लिंग का फूल केसरी। हेलो मैडम। हेलो, यहाँ पर आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक पत्रकार आने वाली है, आपके जीवन के बारे में पत्रिका में छापकर, आपके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में लोगों और सरकार तक खबर पहुंचाकर, सरकार की नजर में लाकर आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगी। ये वही हैं। नमस्ते। हमारे साथ ये नाइंसाफी का मुद्दा ये कोई नई बात नहीं है, ये एक सदियों पुरानी बात है। इसे आप लिखकर प्रचार करके लोगों की हमदर्दी हमें नहीं चाहिए। अब तक किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, करेंगे भी नहीं, हमें भी जरूरत नहीं है। बुड्ढा बहुत जिद्दी है। हम शांति से जी रहे हैं, हमें ऐसे ही शांति से जीने दो, यही आपसे हमारी विनती है। तुम्हारे ये बार बार मुझसे अनुरोध करने से बाहर के लोगों को हमारे कबीले में आने की इजाजत दी। गुरुजी, गुरुजी, क्या हुआ लुची? मेरा बच्चा गायब हो गया है गुरुजी। ये तुम क्या बोल रही हो? पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या हुआ इन्हें? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है कि उस औरत के बच्चे को कोई उठा के ले गया है। काली, काली को सूचित करो। काली, 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 रो मत, बच्चा मिल जाएगा। ये लो पानी पी लो। हे भगवान, मेरा बच्चा। हे महादेव। महादेव। Yeah.
आओ बेटा रो मत। केसरी वहां देखो। ए बुंगा देख तो हमारे काली आ गया। चुप हो जाओ मेरे बच्चा। दीदी दीदी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा बच्चा मिल गया। भैया क्यों रो रहे हो आप? तेरी दीदी। क्या? तेरी दीदी। देखो दीदी दीदी क्या हो गया? देखो मुझे छोड़ के चली गई। दीदी आपका बच्चा सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। दीदी आंखें खोलिए। क्या कर लिया? हट जाओ गुरुजी आ गए, हट जाओ। इस घने जंगल के बीचों बीच शिवजल नाम की एक नदी बहती है। इस शिवजल नदी के किनारे पर एक छोटा सा आदिवासियों का एक कबीला है। इस कबीले में लगभग 40 से 50 झोपड़ियां हैं। कुल मिलाकर इन आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो 112 है। उसमें भी 45 पुरुष हैं और औरतें 32 और 10 से 14 बहुत ताकतवर युवक हैं। कुछ 8 से 10 बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं और एक आधा 12 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसमें भी जो है 4 माँ का दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। यस, उन 112 लोगों में कोई 2 जन अपने ही लोगों का बुरा चाहने वाले नमक हराम है क्या? देखिए है, उनके लिए असल में माँ के दूध से ज्यादा दारू की अहमियत ज्यादा है। उन 4 बच्चों में से किसी एक का अपहरण करवाओ और उसके बाद आपकी टीम के 4 फॉरेस्ट गार्ड्स को मंत्र पढ़ने वालों के भेष में उनके हाथ में बच्चे को पहुंचा दो। ओहो। उस बच्चे की अमावस के दिन बलि चढ़ने दो। ये है प्लान ए। बच्चे की बलि चढ़ने से हमारा प्लान सक्सेस। इनकेस फेल भी हुआ तो देयर इज प्लान बी। अच्छा। बच्चे के ना दिखने पर बच्चे की माँ डरते हुए उसे ढूंढने निकलेगी और तभी हम दोनों अराध प्रजाओं के देव पाप पुण्य का हिसाब करता अरण्यवासियों का रक्षक भक्ति मुक्ति समर्पित है विभूम विभूम विभूम। हम आदिवासी लोग हैं महाशिव के आराधक, काल भैरव के चरणों में अर्पित हो। शिवैक्या
शंभुनाथ नागनाथ महादेव भोलेनाथ स्वामी शिव गौरीनाथ शंभु 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 देव के हैं देव शिव आदि और अनंत शिव सृष्टि को संभाल शिव शंभु 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 मन से सब बोलो शिव बम 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 शक्ति देंगे तुमको शिव बम 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 आयुलिंग आदिलिंग नादलिंग पादलिंग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूर्य से है रात दिन कुछ नहीं है शिव के बिन तीनों लोकों के शिव है स्वामी वायु चले धरा चले शिव से सारा जग चले सारी सृष्टि के शिव है स्वामी ज्योति है परम ज्योति है कांति है सूर्य कांति है सोमदेव भाग्यलिंग जीवलिंग ज्योतिलिंग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जन्म मरण पाप पुण्य शिव के बिना सब है शून्य सारी शक्तियों के शिव है स्वामी जल में है थल में है समय के हर पल में है सारी धरती के शिव है स्वामी भज ले जप ले शिव को पूज ले सोमनाथ बैद्यनाथ ओमकार गौरीनाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारे लोगों में ये मानना है अगर किसी की मौत होती है ना तो वो शिव काय होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, शिव काय का मतलब आत्मा को महाशिव में समा जाना। वो लोग क्या कर रहे हैं? उस रुद्राक्ष को निकालकर महाशिव के पुत्र सूर्य भगवान को दिखाते हुए पवित्र गंगा में अगर उसका विसर्जन करेंगे तो आत्मा महाशिव में समा जाएगी। गंगा। हाँ गुरुजी आया। शिवकाय की विधि शुरू करें गुरुजी। काल कंठम काल मूर्तिम कालाग्निम काल नाशनम स्वर्ग प्रवर्ग दातम सृष्टि स्थिति यंत्र कारणम अरण्य सिंदूरम वज्राधिपति शिवलिंगम भजे भजे भजे। जैसी आपकी आज्ञा। यस मैडम, आप जिस शिवलिंग को ढूंढते हुए यहाँ आई है ना, ये लोग उसे लेने जा रहे हैं। वाओ, शिवलिंग वज्र की तरह चमकता रहेगा। उससे निकलती हुई किरणों को मरे हुए व्यक्ति पर स्पर्श कराए तो जो उनकी आत्मा है वो महाशिव में समा जाएगी, ऐसा इनका मानना है। अगर उन किरणों को मरे हुए व्यक्ति पर स्पर्श नहीं कराया तो उनकी आत्मा इस धरती पर प्रेत आत्मा बनकर भटकती रहेगी, ऐसा भी इनका मानना है। कहाँ है, कहाँ है वो शिवलिंग, कहाँ है वो? अब मैडम, पहले ही बताया था वो शिवलिंग कहाँ है, वो रहस्यमय जगह है। उस रहस्यमय जगह को एक ताकतवर हाथी हमेशा हिफाजत करता है। वो हाथी महावत और उसके परिवार वालों के अलावा उस जगह पर किसी और को नहीं जाने की इजाजत देता है। और पता है मैडम, उस रहस्यमय जगह और उस हाथी दोनों को पार करके आगे बढ़ने पर एक गुफा मिलेगी और गुफा के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ वहाँ दिखने वाली सूरज की रोशनी भी आगे चलकर गायब हो जाती है और अंधेरा छा जाता है।
मैडम अगर आप उस गुफा में ज्यादा देर तक अंदर रही तो दम घुटकर मर जाएंगी। आपको पता चला ऐसा क्यों? वहां ऑक्सीजन की कमी है। इतनी भयानक गुफा में एक कोने से एक प्रकाशमयी चमकती रोशनी दिखाई देती है। बहुत तेज चमकती है वो, इतनी तेज चमकती है वो, और आपको जिस शिवलिंग की तलाश है ना उससे निकलती हुई रोशनी की चमक है मैडम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर उस शिवलिंग को किसी ने हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो एक सांप फट से आकर काट लेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो महावत एक मंत्र का उच्चारण करेगा। वो मंत्र उस महावत और गुरुजी के अलावा और किसी को पता नहीं है और वो किसी को बताते भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैडम, हेलो मैडम, शिवलिंग लेकर आ रहे हैं, देखिए वो देखिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिकाई होने दो, सर पर स्पर्श करवाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो शंकरा, शंभो शंकरा, ओम नमः शिवाय, शंभो शंकरा। दूर हटो, क्या कर रहे हो? वाह मजा आ गया। क्या करो तुम? जब लड़कियों पर लड़के होते हैं तो वो कैसे उनका वजन बर्दाश्त कर लेती हैं? बॉस लड़कियां तो है ही स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। मैडम रुकिए, मैडम, 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 क्या मैडम आप इतनी तेज कैसे भागती हैं? पीटी उषा की बहन हो क्या? यू रास्कल, तुम्हारी वजह से मैं शिवलिंग नहीं देख पाई। I'm sorry, I'm really sorry. उस शिवलिंग को देखना इतना भी जरूरी नहीं है, उसके बारे में सब कुछ पता करके आई हूँ, तुम तो जानते ही हो ना। इस जंगल में स्थापित वो शिवलिंग साधारण शिवलिंग नहीं है, वो हीरे का शिवलिंग है। उस हीरे के लिंग का 2000 साल पुराना इतिहास है। मोहम्मद गजनी, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया क्योंकि उसकी नजर इस शिवलिंग पर थी। उसने हिंदुओं पर क्रूरता से हमला किया और लाखों हिंदुओं को मार दिया। मैडम आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के दो अनमोल रत्नों में एक कोहिनूर का हीरा है और दूसरा ये हीरे का लिंग है। कोहिनूर को तो ब्रिटिशर्स लूट कर ले गए, लेकिन इस लिंग को शिव भक्तों ने मोहम्मद गोरी के हमले से बचाते हुए लिंग को जंगल में लेकर चले गए। अब उस हीरे के लिंग के चमत्कार की वजह से उनके सारे दुख दूर होते चले गए। उसके बाद वो लोग जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हुए आदिवासी बनकर रह गए। आज भी इस जंगल के लोग उस हीरे के लिंग को पूजते हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं। और वो शिवलिंग मुझे चाहिए। मैडम ये इम्पॉसिबल है। मोहम्मद गोरी मोहम्मद गजनी से भी नहीं हुआ तो आप और मेरे से क्या होगा? चांस ही नहीं है। जरूर होगा। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? वो मैडम पैसे के लिए जान गवा सकते हैं क्या? नो नो नो, वो वाह, फल स्त्री अगर ताजा रहा तो देखने।
और खाने में बड़ा मजा आता है। और पता है मुझे केले का बहुत शौक है। गुड चॉइस, नाइस। जानते हो फल और स्त्री दोनों बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें संभाल कर खाना चाहिए। So, are you ready? सीढ़ी चढ़कर आसमान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर चाहो तो मैं स्वर्ग दिखा सकती हूँ। तो आओ तुम्हें स्वर्ग दिखाती हूँ। Get ready, come on. Ready. मेरा बच्चा केसरी, मेरे बच्चे को संभाल के रखना। भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काल भैरवा, प्रचंड भैरवा, कपाल भैरवा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम भैया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, भैया, ओम नमः शिवाय। भैया, अरे ये देखो, हमारा काली केसरी के लिए लिंग का फूल लेकर जा रहा है। केसरी, केसरी कहाँ हो? सुनो। हाँ। केसरी कहाँ है? केसरी बच्चे को देकर और शमशान की तरफ गई। केसरी, केसरी, रोते नहीं। केसरी, केसरी, मैं प्यार तुझे करता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि कितना, तेरे नैनों में नीर है जितना। मैं तुझ में ही तो रहता हूँ, तू धड़के है मेरे मन में, तू बस गई है मेरे मन में। साथ ऐसा जन्म का है ये नाता, हर जन्म में हम तुम मिले। तेरा मेरा प्यार सच्चा, प्रीत की राहों में हर पल हम तुम हैं, साथ है चले। तू ही मुझ में तू बसती, मेरी रूह में तू, तू ही मुझ में तू बसती, मेरी रूह में तू। मैं
मैं प्यार तुझे करता हूँ, कैसे कहूँ कितना चाहूँ, तुझ खुद से मैं ज्यादा चाहूँ। तेरे सिवा तुझ में दो जहां है मेरे, खुद को मैं तुझ में देखूं भाई है, चेहरा तेरा कुछ न देखूं सिवा मैं तेरे, साया बन के तू मेरा, साथ में हर पल तू रहता, साया बन के तू मेरा, साथ में हर मैं प्यार तुझे करता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि कितना, तेरे नैनों में नीर है जितना, मैं तुझ में ही तो रहता हूँ, तू धड़के है मेरे मन में, तू बस गई है मेरे मन में। केसरी तुम्हें क्या हुआ? केसरी देखो ना क्या हुआ केसरी। अरे आपके क्या हुआ? क्या हो गया केसरी? क्या हुआ केसरी? चुंगा रंगा केसरी को क्या हुआ? पता नहीं भाई। केसरी क्या हुआ? उठ जाओ। ये बाहर कैसे आ गई? अरे बाप रे, जगा दो बुर्जी को, जगा दो। हे महादेव, महादेव हमारे ऊपर क्रोधित हैं, हमारे कबीले पर कोई संकट आने वाला है, जमीन में दफनाए हुई लाश करके सामने बैठी है, हमारे लोगों पर कोई आफत आने वाली है, हम सब बर्बाद होने वाले हैं, गुरु जी अब हम क्या करें? काल कंठम काल मूर्तिम कालाग्निम काल नाशनम स्वर्ग प्रवर्ग दातम सृष्टि स्थिति यंत्र कारणम अरण्य सिंदूरम वज्राधिपति शिवलिंगम भजे 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 ताली। चलो आओ संभल के। ओम नमः शिवाय। 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 शिवकाय करो। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, 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 ये नहीं हो सकता, गुरुजी, गुरुजी, भागो, भागो, छुट्टी, छुट्टी, भागो, छुट्टी, भागो, जाओ, हे शिवा, हे भागो, भागो, जाओ, काली! Hey!
छोड़ो। इधर आए, चुप रहे। मुझे देखो केसरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा केसरी, केसरी मुझे देखो केसरी, मुझे देखो केसरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा केसरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Shiva.
जय काली। काली केसरी विद्महि नीलवर्णाय धीमहि तन्नो महाकाली प्रचोदया। शिवा जंगा बंगा भूतो चाटने शिवा चुंबा दि चुंबा महादेवा अर्पिता भूत प्रेत रहे टका टका टका। अरे बाप रे, आका टका टका टका। हे भगवान, वो बुरी आत्मा इससे वो सब करवा रही थी और मैं बेकार ही उसके ऊपर शक कर रहा था। ये सब उस आत्मा की वजह से हो रहा है। मैं भी कितना ना समझ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर देना। मैंने इसमें लड़की की आत्मा को बंद कर दिया है। कल शिवरात्रि है, ओम अनुष्ठान के समय मैं इसे पवित्र अग्नि में जला दूंगा, तब ये आत्मा स्वर्ग तक पहुँचेगी। उनकी परंपराओं के अनुसार ये शिव में समा जाएगा। इसे आप ले जा सकते हैं। मोटे बेवकूफो, तुम लोग क्या खाते हो रे? मुझे लगता है कि इंसान को भी खा लोगे, लेकिन क्या आप जानवरों को बख्शेंगे? वहां देखो, सोने की हिरनी है। हिरनी का मांस बहुत टेस्टी होता है। रुक 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 रुक, वो तुम लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए है वो। तुम लोगों के लिए वो बाजू में बैठा है ना सुअर, चर्बी ज्यादा रहती है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जानते हो ना, इसीलिए सिर्फ मेरे लिए सोने की हिरनी। तेरी तो ए, ये जो जंगली भालू यहाँ पर सोया है ना, मैंने उसके नाखून और दांत निकाल दिए हैं। अब इसकी चमड़ी निकाल के इसे फ्राई करके खा लो, इतिहास इतिहास बन जाएगा। कल की हेडलाइन ऐसी होगी, भालू को खाने वाले इंसान। तुम जानते हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हीरा, शिवलिंग, पता नहीं मेरे नसीब में लिंग लिखा है या नहीं, लेकिन उस हीरे के लिंग को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा मालिक? क्या करना होगा? यहाँ देखिए मालिक, देखिए, बोलिए मालिक। वेरी सिंपल, लूट करनी है। जैसे वो तीन लोग शिवलिंग को लेकर आए, वो फ्रॉड मिनिस्टर और वो इंटरनेशनल पिस्ता, वो लोफर का बच्चा डैनी, बेचारे वो तीनों लोग ऊपर चले गए। अगर मैंने भी लिंग पे हाथ लगाया तो मैं भी मर जाऊंगा। नो 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 वे, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे तंत्र मंत्र विद्या बहुत अच्छी से आती है। अच्छा, छे पुलिस वाले हो, सोचो वो हीरा लिंग कहां पर रखा है, सोचो ना, ठीक से सोचो, ठीक से सोचो, सोचो ना। एंजॉय एंजॉय। अबे सुन, नेक्स्ट तेरा नंबर। सर, जैसा आपने मेरे को बोला था, मैंने मिनिस्टर का कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया है सर। हाँ ठीक है, ए, उसे उतारो। अरे रे रे रे, बहुत बुरी तरह से पीटा है। इसे ले जाकर जंगल में जला दो, वो एक अनाथ है, जंगल में पला बड़ा है,
उसे जंगल में ही मरने दो। सर ये सारे के सारे इंटरनेशनल मोबाइल नंबर हैं और सर इन नंबर से बार बार कॉल आया है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर? ये सारे मोबाइल नंबर किसी दूसरे देश से संबंधित हैं। एक्चुअली ये नंबर सिर्फ वीवीआईपी लोगों को मिलते हैं सर। क्या वीवीआईपी बोले तो? अरे वीवीआईपी का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजू बाबू सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? वीवीआईपी का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया सर। मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं चूना लगाने वाले, पर आप तो फेविकॉल लगाते हो। आप भी ना सर। ये वीवीआईपी नंबर किसी मोहम्मद गद्दाफी के नाम से है। लगता है आदमी बहुत अमीर आदमी है सर। सर यहाँ देखिए, इस मल्टी मिलेनियर का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में करोड़ों का बिजनेस है। सर इसके पूर्वज मोहम्मद गजनी 12th सेंचुरी में भारत पर हमला करके यहाँ की संपत्ति को लूट के ले गया था। अब ये भी वही काम कर रहा है। ये इंटरनेशनल स्मगलर इंडिया में है। फॉरेन इमिग्रेशन रिपोर्ट आई थी। क्या ये वही है? Get lost, Indian gods. Hey, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ पर है वो? बोल नहीं तो शूट कर दूँगा। बोल। मुझसे पंगा लोगे? मेरी गन छिनोगे की? मुझे बच्चे की तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शिवजी हमें बचा लीजिए इस मुसीबत से। अरे शिव जी बचा लीजिए, भागो भागो। सब कुछ मेरे हिसाब क्यों होता है? एक दंताय विद्महि, नीलकंठाय धीमहि, तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम महाकाली नमः। बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। Indians and your Indian gods. हीरे का लिंक तो यही है। मेन विलन की एंट्री की है, इसका मतलब इसने क्लाइमेक्स रखा होगा इस हीरे के लिंक की कहानी में। मेरा पात्र क्या है? विलन हूं या कॉमेडियन हूं, चाहे जो कोई भी हो, इसमें एक ट्विस्ट देते हैं। क्यों रे चम्मक छल्लो, अफगानिस्तान के शेख को बेवकूफ बनाकर करोड़ों के हीरे के लिंक को लूटने के लिए इस जंगली जानवर के साथ ड्रामा कर रही थी। जाओ शेख, शेख शेख शेख, उसे मार दो उसे, इसे शिव के पास भेज दो। पर इस गोरिला को इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, लगता है इसे समझ में नहीं आ रहा। सर किल हर, शी इज डायमंड चोरिंग, डायमंड थीफ, शी इज लिंग चुरा लिंग, चीज पुट चूना लगा के ब्लफ मास्टर, चीज चोरी, डायमंड चोरी, डायमंड चोरी, थीफ। गधे को अब समझ में आया। डायमंड थीफ राइट। हाँ।
समझो तुम्हारा काम हो गया। ये जबरदस्त शार्प शूटर है, सारी जिंदगी हाथ में गन पकड़कर ही खेलती रही है। एक बार हाथ में गन पकड़ी तो सीने के दो टुकड़े होने की गारंटी। ये और मेरा नमक हराम चेला डैनी दोनों मिल गए तो खूब बहता है खून। सर एक्सक्यूज मी, सर आपका इसमें सिग्नेचर चाहिए। जब बड़े लोग बात करते हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, बच्चों को चुपचाप साइड में खड़े रहना चाहिए। गॉट इट, नाउ जस्ट गेट आउट। सॉरी मैडम। अरे क्या करती हो, वो अपनी ही लड़की है, मेरी पीए है। हेलो गद्दाफी। क्या वो ज्यादा पैसे देते हैं इसलिए वो हीरे कालिंग ब्रिटिशर को देना है? इसके बारे में अगर गद्दाफी को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये रेड कलर है ना, बहुत डेंजरस है। इस रेड कलर के लिपस्टिक को होठों पर लगाकर अगर होठों से काटूं तो मर्दों की मर्दानगी भी खतरे में आ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, लोगों को अपनी खूबसूरती से मारने के लिए। That's me. I want you to kill them. You understand? Kill them both. उस इंटरनेशनल छोकरी की बातों में आकर वो बेवकूफ मिनिस्टर अफगान के बादशाह गद्दाफी को चूना लगा सकता है तो फिर हम क्या चीज हैं डैनी? मैं उस ब्रिटिशर को ही हीरे का लिंग दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मिनिस्टर की कहानी तो खत्म हो गई, अब इसके आगे की शिवलिंग की कहानी में हीरोइन तो मैं ही रहूंगी। ये काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, इतना पिटने के बाद भी हीरे के लिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इंस्पेक्टर को इस हीरे के लिंग के बारे में पता चलने से पहले ही इस जानवर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये इंस्पेक्टर तो यही आ रहा है। अगर डैनी ने उस भालू को अभी मार दिया तो इंस्पेक्टर को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पहले उस जानवर को बचाना पड़ेगा। अगली बार मेरे हाथ लगे तो शूट कर दूंगा, मैं सारी गोलियां उतार दूंगा। डैनी, उस भालू को वहीं के गैराज में एक कार में बंद करके आई हूँ, थोड़ा सा सर्कस करवा के उसे वहीं पर मार डालना, बचना नहीं चाहिए। सारा प्लान तो उल्टा हो गया, अब क्या करेंगे? उफ, क्या लड़की है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, अब सेकंड स्केच। लव यू विधि डार्लिंग, हैप्पी जर्नी। विधि के जीवन में विधि ही खेल खेल गई, बेचारी विधि। गद्दाफी, द डायमंड इज योर्स। बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आई एम कमिंग टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया बॉस, गद्दाफी बॉस। मुझे चूना लगा दिया, अब मैं क्या करूं? मेरा सर घूम रहा है। अरे रे रे रे, मेरी माँ, ये सब क्या देखा मैंने, ऐसा ट्विस्ट दे दिया। महान कलाकार हो तुम, लिंग की कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता था। बाप रे बाप, कितना पागल हूँ मैं। गवर्नमेंट काम, अच्छी सैलरी, नीचे की कमाई, सब कुछ मिल रहा था। खामोश रहने के बजाय करोड़ों की लालच में हीरा लिंग को पाने के लिए गलती कर दी। तौबा 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 तौबा, मैं इस खेल में नहीं हूँ। ये स्त्रीलिंग भी नहीं चाहिए, वो हीरे का लिंग भी नहीं चाहिए। मुझे छोड़िए, बेचारा आदमी हूँ, किसी तरह जी लूंगा मैं, मुझे बख्श दो। What is he trying to say? Shiva, kill him! Shiva. Huh?
ही इसे मार दूंगा मैं। Oh, you mean it? You think I care for her? Huh? Killer! Kill her! Hey, गला काट दूंगा इसका। अकाटा काटा काटा, हे अतृप्त आत्मा, जैसे ही तुम आग में बलिदान कर रहे हो तुम इस पृथ्वी से शीघ्र ही निकल जाओ, शिव में अंतर्गत हो जाओ, शिवकाय हो जाओ। Now it is my turn. Kata!
जाएगा। I will cut you into pieces. Finish you. Ah!